बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन में कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इंक्रीमेंट्स क्या होती हैं और इनके उसके अलावा डिस्टेंस क्या होता है और मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें जिससे आपके पास हमारी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन द प्लेन। स्टूडेंट्स, जब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन के लिए दो एक्सिस रिक्वायर्ड होती हैं। अब उसके उसका कोई भी पॉइंट हो, एक प्लेन में किसी भी पॉइंट का जब हम पोजिशन फाइंड करते हैं, उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें दो रियल मगर परपेंडिकुलर लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं और उनकी हेल्प से हम उस पॉइंट का हम पोजीशन फाइंड करते हैं। अब लेट्स से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को लेट से कहते हैं हम ओ। अब ये जो ओ पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। अब ये जो एक्स और वाई हैं, एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं कि किसी भी प्लेन में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। अब हम ओ पॉइंट से जैसे ही हम राइटवर्ड मूव करते हैं, तो राइटवर्ड मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यूज में इंक्रीमेंट होगा। वो क्या होंगे, सारे पॉजिटिव वैल्यूज। जैसे यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ओके, इसी तरह जब हम अपवर्ड मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करने से हमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। वो किसके वैल्यूज होंगे, वो वाई एक्सिस के वैल्यूज होंगे। तब ओरिजिन से अगर हम लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, तो सारे नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। किसकी, एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, मतलब वहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर हम जीरो पॉइंट से डाउनवर्ड मूव करेंगे, यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। किसकी, वाई की नेगेटिव वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है पी, उसका हमें क्या करना है, पोजिशन फाइंड करना है। अब उसकी पोजिशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट से डाउनवर्ड मूव करेंगे। डाउनवर्ड मूव क्यों करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स तक, एक्स एक्सिस तक हमने मूव करना है। ओके, वर्टिकली। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से पॉइंट पी से लेकर वाई एक्सिस तक मूव करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे पॉइंट बी मिल रहा है और यहाँ पे ए मिल रहा है। अब आपको जो ये वाई एक्सिस पे बी मिला और एक्सिस पे ए मिला, बेसिकली ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। एक ऐसी पॉइंट है जिसका पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस पे ए है और वाई एक्सिस पे बी है। हमने इसी तरीके से इसका पोजीशन फाइंड किया कि ये एक ऐसी पॉइंट है जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट ए है और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, बी है। अब हम आ रहे हैं कि इस यहाँ पे जो ओ है, पॉइंट ओ है जिसको हम ओरिजिन कह रहे हैं, वो एक्सिस को दो एक्सिस में ब्रेक कर रहा है। एक एक्सिस क्या है, जो हमने पहले डिफाइन किया, पॉजिटिव एक्सिस है, जहाँ पे 1, 2, 3 और सारे पॉजिटिव वैल्यूज आगे जाएंगे। और दूसरी क्या है, नेगेटिव एक्सिस से, जहाँ पे हमने -1 लिखा, -2 और आगे वो कंटिन्यू थे, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा ओरिजिन पॉइंट है जिस पर हमें पता चल रहा है अगर हम लेफ्टवर्ड मूव हो रहे हैं तो लेफ्टवर्ड मूव होने से हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस मिल रहा है। अगर हम राइटवर्ड मूव हो रहे हैं, राइटवर्ड मूव होने से हमें पॉजिटिव एक्सिस मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम अपवर्ड मूव होंगे तो अपवर्ड मूव होने से जो एक्स वाई एक्सिस मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। इसी तरीके से जब हम डाउनवर्ड मूव हो रहे हैं, डाउनवर्ड मूव होने से हमें क्या मिल रही है, सारी वाई की जो वैल्यूज मिल रही हैं वो नेगेटिव मिल रही हैं। ये जो दोनों एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है, ये दोनों जो हैं प्लेन को, ये एक प्लेन है क्योंकि ये टू डायमेंशनल फिगर है, तो इस प्लेन को ये दोनों एक्सिस चार रीजन्स में ब्रेक कर रही हैं। कौन से रीजन्स, एक रीजन ये है,
दूसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है और चौथा रीजन ये है। अब ये जो हमने चार रीजन्स बनाए हैं, इन चार रीजन्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। किस तरीके से? कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, सारे एक्स के वैल्यूज क्या हैं? पॉजिटिव हैं। 1, 2, 3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। ये जो क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और वाई के वैल्यूज भी सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। और एक्स एक्सिस के वैल्यूज भी क्या हैं? सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब इसमें जितनी भी पॉइंट्स होंगी, इसमें जितनी भी पॉइंट्स होंगी, उनकी जो पोजीशन होगी, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और वाई के भी पॉजिटिव होंगे। ओके, अब हम आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं। किसके? एक्स एक्सिस के नेगेटिव वैल्यूज हैं। जबकि अगर वाई के देखेंगे तो वाई एक्सिस के सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें सब पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो नेगेटिव होंगे, और जो वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये सारे वैल्यूज एक्स के नेगेटिव हैं, जबकि वाई के वैल्यूज भी इसी तरीके से नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं एक्स के, जबकि वाई के वैल्यूज भी नेगेटिव हैं। अब हम आखिरी क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हम क्या देखेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे, देखें कि एक्स के कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव हैं। एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं? सारे पॉजिटिव हैं, जबकि वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सारे नेगेटिव हैं। इसका मतलब जो जितनी भी इसमें पॉइंट्स होंगी उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। अब हम आ रहे हैं इंक्रीमेंट पे, कि किसी भी वेरिएबल में जब इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीमेंट कैसे होता है? जब वो वेरिएबल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसको बेसिकली हम कहते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ पे हम प्लेन की बात करते हैं, तो प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करता है, तो उसका जो नेट चेंज होता है किस में? उसकी कोऑर्डिनेट्स में, मतलब कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया और वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया। उस चेंज को हम क्या कहते हैं? बेसिकली इंक्रीमेंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का है, एक पॉइंट है ए 4, -3। ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3 है। और वो मूव कर रहा है बी पॉइंट तक। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ए से लेकर बी तक मूव हुआ है, एक पार्टिकल ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मूव हो रहा है। अब ये बताएं कि इसका इंक्रीमेंट क्या होगा? ये जहन में रखना बहुत लाजमी है, जो इंक्रीमेंट होता है वो वेरिएबल टू वेरिएबल होता है। मतलब वेरिएबल टू वेरिएबल का मतलब होता है कि उसके कंसर्न कोऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं। अगर आपका एक्स का फाइंड करना है तो x2 और x1 फाइंड करना पड़ेगा। अब चेंज तो आता है किसी भी वेरिएबल में। यहाँ पे जब हम बेसिक डेफिनेशन देख रहे थे इंक्रीमेंट की, कि किसी भी वेरिएबल का इंक्रीमेंट उसका नेट चेंज होता है। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, क्योंकि एक प्लेन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका जो नेट चेंज होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में, वो क्या होगा? अब नेट चेंज को हम, नेट चेंज इन एक्स को हम सपोज करते हैं कि ये एक डेल्टा एक्स है इज इक्वल टू x2 - x1। सपोज करें जो x2 है वो x कोऑर्डिनेट है बी का, जो कि 2 है, ओके? वो जो, और जो x1 है वो ए का कोऑर्डिनेट है, क्या है? 4, ओके? अब हम क्या करेंगे? 2 - 4 आपको आंसर मिलेगा -2। इसी तरीके से हम डेल्टा वाई फाइंड करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट इन वाई, तो हम क्या करेंगे? y2 - y1 आपको क्या मिला? y2 क्या है? 5 है, और y1 क्या है? -3 है। -3 इसका मतलब -3 आप ब्रैकेट में रखेंगे
इसका मतलब ये है कि 5 माइनस माइनस प्लस 3, इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा वाई आपको मिला वो क्या मिला, 8 मिला। ये एक इंक्रीमेंट हमने फाइंड किया कि एक पार्टिकल था जो मूव कर रहा था एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक, वो जो उसमें इंक्रीमेंट हुआ, चेंज जो हुआ एक्स में कितना हुआ और वाई में कितना चेंज हुआ, वो हमने इसमें फाइंड किया। अब हम देख रहे हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किस तरीके से फाइंड होता है। सपोज करें दो पॉइंट्स आपको गिवेन है, सपोज करें पी पॉइंट है 1, 2 और क्यू पॉइंट है 2, 3। ओके, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या डिस्टेंस है हमें फाइंड करना है। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें, इसको लोकेट करें कि ये किस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे एक्सिस का 1, यहाँ पे 2, 3, वाई का 1, 2, 3। अब हम पी पॉइंट का जो है पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन एक्स एक्सिस पे 1, एक्सिस में 1 मतलब ये यहाँ पर होगा और वाई एक्सिस पे 2 मतलब यहाँ पर होगा। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे हम, इसका जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट। अब इसी तरीके से क्यू पॉइंट भी कैसे फाइंड करेंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है और वाई का कोऑर्डिनेट 3, एक्स का कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पर है और वाई का कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पर है, मतलब ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्यू आएगा। अब इन दोनों के दरमियान क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिनोट होता है डी से, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अब सपोज करें जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वन और वाई वन है और जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है, एक्स टू और वाई टू है। अब एक्स टू क्या है, यहाँ पे 2 है, मतलब एक्स टू की जगह पर क्या रखेंगे, 2 माइनस एक्स वन क्या है, 1 है इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस की साइन, वाई टू क्या है, 3 है और माइनस की साइन, वाई वन क्या है, 2 है, यहाँ पे हम 2 रखेंगे। ओके, इसका होल स्क्वायर। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 1, ओके 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने क्या किया इस प्रॉब्लम में, इसका डिस्टेंस फाइंड किया।